नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है समीर पाठशाला। दोस्तों, आज हम एक स्टेज प्ले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लिखा है महेश दत्तानी ने, और उस प्ले का नाम है 7 Steps Around the Fire। जो ये एक स्टेज प्ले है, इससे पहले हम थोड़ा सा महेश दत्तानी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, महेश दत्तानी का जन्म बेंगलोर में हुआ था 7 अगस्त 1958 में, यानी कि 7 अगस्त में इनका जन्म हुआ था। महेश दत्तानी को साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1998 में, और ये अवार्ड उनको किस वर्क के लिए दिया गया था, उसका नाम है फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेज। इस वर्क के लिए उन्हें 1998 में साहित्य एकेडमी अवार्ड, जो कि हमारे इंडिया का सेकेंड हायर अवार्ड कहलाता है, उससे नवाजा गया था। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस स्टोरी के बारे में जो महेश दत्तानी ने लिखी है। ये एक स्टेज प्ले है, इसके करेक्टर एंड स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, करेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तो इसके करेक्टर्स डिस्कस करते हैं पहले। दोस्तों, इसके करेक्टर्स में सबसे पहले करेक्टर जो है वो है चंपा का। ये एक हेड हिजड़ा है। महेश दत्तानी ने इस स्टेज प्ले के बारे में जो भी लिखा है वो हिजड़ों की लाइफ के बारे में लिखा है। जो हमारे समाज में हिजड़ों का दर्जा है, मीन्स उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है, इस सब को नज़र में रखते हुए महेश दत्तानी ने ये सब प्ले लिखा है, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो करेक्टर है वो चंपा है। चंपा जो है दोस्तों एक हेड हिजड़ा है। इसके बाद चंपा के ग्रुप में एक बंदी और होती है जिसका नाम होता है अनारकली। दोस्तों, ये अनारकली भी चंपा के ग्रुप में ही होती है। दोस्तों, तीसरा जो मेंबर होता है हिजड़ों का वो होता है कमला, और ये तीन हिजड़े एक ही मेंबर के, एक ही ग्रुप के होते हैं तीनों मेंबर, राइट। इसमें हेड हिजड़ा जो है वो कमला हो गया, राइट। उसके बाद जो हेड हिजड़ा है वो आपका हो गया चंपा, और कमला जो है वो उसकी एक मेंबर है। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इस कमला के बारे में बता दूं, तो ये कमला जो है इतनी ब्यूटीफुल हिजड़ा है कि जब इसकी शादी हुई थी तो एक लड़के के साथ ही हुई थी, क्योंकि एक लड़का इसके प्यार में पड़ गया था, और वो लड़का इसे शादी करता है, तो पंडित शादी करवाता है उसकी, तो वो पंडित को भी नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली हिजड़ा है या फिर लड़की है। तो पंडित भी ये नहीं पता लगा सका कि ये हिजड़ा है या फिर लड़की है। तो सोचो दोस्तों, ये कितना ब्यूटीफुल हिजड़ा होगा। दोस्तों, इसके बाद नया करेक्टर जो है इसमें, दूसरा करेक्टर जो है वो है उमा राव। उमा राव जो है ये एक वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर है उनके वाइस चांसलर की बेटी है, और खुद भी एक लेक्चरर है जिसका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। ये सोशोलॉजी पढ़ाती है, राइट। सुरेश जो है ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और इसके जो फादर हैं सुरेश के वो एक पुलिस कमिश्नर ही हैं, और जो उमा है उमा सुरेश की वाइफ है, यानी कि ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और ये एक लेक्चरर है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक करेक्टर और है मनस्वामी। मनस्वामी ये कौन है? ये एक कॉन्स्टेबल है जो उमा राव के लिए दिया जाता है कि उमा राव कहीं भी जाएगी तो ये उसको फॉलो करेगा, एज ए बॉडीगार्ड समझ लो, या फिर कॉन्स्टेबल उसकी सेफ्टी के लिए समझ लो, जो कि सुरेश ने और उसके जो ससुर जी हैं उनने उसकी सहायता या फिर मदद या फिर एज ए बॉडीगार्ड उसको मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, एक इसमें मंत्री जी हैं जिनका नाम है मिस्टर शर्मा, और ये बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। इन मिस्टर शर्मा जी का एक पुत्र भी है दोस्तों, एक बेटा भी है जिसका नाम है सुब्रमण्यम, और उसको हम शॉर्ट में सुब्बू भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ इसमें एक लास्ट करेक्टर और है जिसका नाम है सलीम, और ये सलीम कौन है? मिस्टर शर्मा जी का बॉडीगार्ड है। तो मिस्टर शर्मा जी, सुब्रमण्यम एंड सलीम, ये तीन बंदे एक ही जगह रहते हैं। जो सलीम है वो मिस्टर शर्मा जी के हेडक्वार्टर्स में रहता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई करेक्टर की बातें। जो ये तीन बंदे हैं ये एक ही ग्रुप के बंदे हैं, ये तीनों हिजड़े हैं। इसमें हेड हिजड़ा जो है आपका चंपा है, और दोस्तों उमा राव है जो वाइफ है,
और उसकी सुरेश की जो सुपरिटेंडेंट है उसकी वाइफ है। दोस्तों मैं आपको करेक्टर ये समझा चुका हूँ, आई होप आपको ये करेक्टर समझ में आ गए होंगे। ये टोटल करेक्टर इसमें यही हैं। चलिए लेट्स बिगिन अबाउट द स्टोरी। अब स्टोरी शुरू करते हैं। जब दोस्तों स्टोरी शुरू होती है तो ये जो कमला है, जो इसकी शादी हो चुकी होती है एक लड़के से, इसका मर्डर हो जाता है। चर्चा में यही चीज़ें होती हैं कि जो कमला नाम का हिजड़ा है वो मर्डर, उसका मर्डर कर दिया गया है। और बात किस पे आती है, वो आती है बात अनारकली पे, कि अनारकली ने उसका मर्डर कर दिया है। क्यों अनारकली ने उसका मर्डर कर दिया है, क्या ऐसी चीज़ें थी, वो इसलिए थी जो चंपा के बाद हेड हिजड़ा जो बनना चाहती थी वो अनारकली बनना चाहती थी, इसलिए उसने कमला को रास्ते से हटा ही दिया, उसने कमला को मार दिया। पुलिस इसी डाउट में उसको ले जाती है कि अनारकली ने ही कमला का मर्डर किया होगा, राइट। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। अब दोस्तों ये जो उमा राव है, जो एक लेक्चरर है कॉलेज में, इसके साथ साथ ये पीएचडी कर रही है एक टॉपिक पे जो कि हिजड़ों से ही रिलेटेड है, तो वो सोचती है, उसको एक टॉपिक मिल जाता है कि मैं क्यों ना कमला की मर्डर के ऊपर, जो हिजड़ों का मर्डर हुआ है वो किसने किया है, क्या क्यों किया है, क्या कब हुआ है, सब वो जानकारी निकालना चाहती है। अब इस सबकी, ये सब चीज़ करने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हस्बैंड की, और उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं जो है अनारकली से मिलना चाहती हूँ कमला के मर्डर के बारे में। तो उसका जो हस्बैंड है, कौन, सुरेश, उसको मना कर देता है कि आप इससे नहीं मिलोगी, क्योंकि जो ये हिजड़े हैं ये एक नंबर के झूठे होते हैं, इनके पास हर बार कोई ना कोई नई स्टोरी होती है। फिर भी वो अपनी पढ़ाई को लेके, उस पर पीएचडी कर रही है, जब उस पर रिसर्च कर ही रही है, तो सुरेश से बहुत रिक्वेस्ट करती है। सुरेश अलाउ कर देता है अपनी वाइफ उमा राव को मिलने के लिए, किससे, इन मैडम से, जो ये है अनारकली, इनसे जेल में मिलने के लिए अलाउ कर देता है। अब उमा इनसे जेल में जब मिलने जाती है दोस्तों, तो उमा जब उससे मिलती है अनारकली, तो अनारकली की इतनी गंदी दुर्दशा वहां पे हो रखी होती है जेल में, जो वहां के जेल के दूसरे अपराधी हैं वो उसके साथ यौन शोषण करते हैं। और जब एक लेडी को अनारकली जेल में देखती है तो वो रोने लग जाती है कि शायद ये लेडी उसकी कुछ हेल्प करे। और उमा राव तो आई ही अनारकली से मिलने के लिए है, तो उमा राव एक सेपरेट कमरे में लेके जाती है किसको, अनारकली को। तो दोस्तों अनारकली एंड उमा राव ये एक कमरे में बैठ के बात करते हैं, और वहां जब बात करते हैं, अब अनारकली से पूछती है कि तुमने कमला का मर्डर क्यों किया। अनारकली रोते हुए कहती है कि मैडम मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है, जिन लोगों ने कमला का मर्डर करवाया है वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, अगर आप ये कुछ सब जान भी जाओगी तो ना तो आपके पति और ना ही आपके ससुर जी जो कमिश्नर है पुलिस में, वो उन लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बस आप अगर मेरी कोई मदद करना चाहती हो तो मुझे यहाँ से किसी भी तरह से निकलवा दो, क्योंकि मेरी जो दशा है यहाँ पे वो बहुत ही गंदी है, यहाँ के जो जेल में मुजरिम हैं वो मेरे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों अब उमा राव अनारकली से कहती है कि तुम यहाँ से जमानत में निकाली तो जा सकती हो, लेकिन उसके लिए एक धनराशि की जरूरत पड़ेगी। वो कितनी धनराशि है दोस्तों, 20,000 रुपये की बात करती है वो। अब ये पैसे जो हैं ना तो अनारकली के पास हैं ना उमा राव के पास हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। तो वो कहती है अनारकली कि आप जाके ये पैसे चंपा से ले लो, चंपा आपकी इस पैसे की जो मदद है वो चंपा करेगी। अब दोस्तों ये उमा राव सोचती है कि मैं ही इसकी हेल्प कर दूं, अब ये इस हेल्प के लिए पैसा अपने पति से तो मांगेगी नहीं, ना इसका पति उसको देगा। तो जो इसका फादर है, जो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो अपने पिता से ये पैसे लेती है, और ये पैसे लेने के बाद सीधा अपना एड्रेस लेके, अनारकली इसका एड्रेस देती है चंपा का, चंपा के घर पहुंच जाती है। पहले तो चंपा इसको अंदर आने के लिए ही मना कर देती है कि जाओ मैं अनारकली के मैटर पे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अनारकली ने ही कमला का मर्डर किया है, क्योंकि वो हेड हिजड़ा बनना चाहती थी, जबकि ये पूरा का पूरा जो हक है वो चंपा का है, वो किसको हेड हिजड़ा बनाना चाहती है। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने से जो ये चंपा है उमा राव को अलाउ कर देती है अंदर आने के लिए, और इनकी जो डिस्कशन है
कमला के मर्डर के बारे में वो चलने लग जाता है। दोस्तों इसी डिस्कशन जब इस डिस्कशन के मध्य जब इन दोनों का डिस्कशन होता होता है, एक थर्ड पर्सन एंट्री लेता है जिसका नाम है सलीम। सलीम जो है मिस्टर शर्मा का बॉडीगार्ड है और वो इस घर में आ जाता है जिस घर में बातें कर रही होती हैं चंपा और उमा राव, और वो घर किसका है? चंपा का। अब सलीम यहां पे क्यों आता है? सलीम इसलिए आता है क्योंकि वो मांगता है कमला के संदूक की चाबी कि मुझे उस संदूक से कुछ सामान लेना है। तो जो चंपा है उसको मना कर देती है कि आपको यहां से कोई भी सामान नहीं मिलेगा क्योंकि उसके सारे सामान यानी कि उसके कपड़े या कोई भी आभूषण हैं किसके? कमला के। उन सब पे किसका अधिकार है? अब चंपा का अधिकार है। तो जो ये कपड़े वगैरह लेने नहीं आया है ये कहता है कि मुझे उन कपड़ों से या उन आभूषण से कोई मतलब नहीं है, इसके संदूक में एक फोटो है जो मेरे काम की है, मुझे तो सिर्फ वो फोटो लेनी है, मुझे वो फोटो दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो जो ये कहता है इस टोन में नहीं कहता है, वो उसको डराने और धमकाने वाली टोन में कहता है। तो दोस्तों ये चंपा जो है मना कर देती है और इसी बीच मिस्टर सलीम का इंट्रोडक्शन वो उमा राव से कराती है। कहती है ये जो उमा राव हैं ये एक लेक्चरर हैं और इनके हस्बैंड जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और इनके जो ससुर जी हैं वो एक कमिश्नर हैं। तो ये सब जानने के बाद ये अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर देता है और वहाँ से नरमी से निकल लेता है। तब ये सब चीज़ जानती है तो उमा राव चंपा से पूछती है कि ये बंदा कौन था। तो चंपा इसको बताती है कि सलीम ही वो बंदा है जो कमला को डेली डेली रात को ले जाया करता था। अब रात को वो ले जाता था अपने लिए या किसके लिए, ये सस्पेंस की बात है, ये आपको पता चलेगा स्टोरी में आगे दोस्तों। तो अब यहाँ तक का बात क्लियर हुई। अब उमा राव की नज़रों में एक बंदा और आ गया सलीम कि हो सकता है इसने इसका मर्डर किया हो कमला का। अब सलीम के बारे में उमा राव मिस्टर मनस्वामी को लेके जाती है और सलीम की लोकेलिटी में जाके, सलीम रहता है मिस्टर शर्मा के हेडक्वार्टर्स में, तो ये सलीम की लोकेलिटी में जाके बातचीत करती है लोगों से कि सलीम किस तरह का बंदा है किस तरह का नहीं है। तो बाद उसको पता चलता है कि जो सलीम का अवैध संबंध थे एक हिजड़े के साथ, जबकि सलीम की शादी किसी अच्छी लड़की से हो सकती थी क्योंकि वो वैसे ही दिखने में हैंडसम और लंबा चौड़ा है, राइट। अब एक दिन डायरेक्टली क्या होता है, उमा राव यहाँ पे जाके सलीम से पूछती है कि मिस्टर शर्मा से उनको मिलना है। तो सलीम जो है मिस्टर शर्मा के बारे में क्या कहता है कि मिस्टर शर्मा जो है वो गए हैं विदेश, वो यहाँ पे हैं ही नहीं। अब कई दिन आती है उमा राव, सेम डे सेम आंसर उसको मिलता है। तो फिर उमा राव सलीम की पूछती है कि आपकी बीवी कहाँ रहती हैं? तो पहले तो वो बोल देता है कि मेरी बीवी जो है वो अभी गाँव गई हुई है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन ये बंदा जो है दोस्तों, ये बंदा अभी भी झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी शादी हुई ही नहीं है। बाद में उमा को पता चलता है कि इसकी तो शादी ही नहीं हुई, तो ये हिजड़ा इसीलिए लेके आता था। तो हो सकता है कमला का मर्डर इसी ने किया हो। तो दोस्तों जब इन दोनों की बातचीत हो रही होती है उमा की और मिस्टर सलीम की, तो वहाँ पे अचानक से मिस्टर शर्मा आ जाते हैं अंदर से निकल के घर में से, वो विदेश गए ही नहीं थे। तो मिस्टर शर्मा पूछते हैं सलीम से कि इनको अंदर आने की परमिशन किसने दी? तो सलीम बताता है कि सर ये उमा राव हैं और ये उनकी वाइफ हैं। तो ये बंदा मिस्टर शर्मा इसको अंदर लेके जाता है। अब उमा राव जो है सलीम की सारी करतूतें मिस्टर शर्मा को बता देती है कि आपका जो बॉडीगार्ड है वो एक हिजड़े के साथ संबंध बनाता था जिसका नाम है कमला, और अब उसका शायद उसने मर्डर कर दिया है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन शायद अब उसने उसका मर्डर कर दिया है। तो ये मिस्टर शर्मा जो है दोस्तों कहता है, क्या कहता है उमा से कि मुझे इस पे पहले से ही शक था कि ये ऐसा कुछ इसने काम किया है क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी चेंज लग रही हैं। लेकिन दोस्तों ये बंदा जो है ऐसा बोल रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है। जब इन दोनों की बात होती रहती है उमा राव की और मिस्टर शर्मा की, तो उसी दौरान सुब्रमण्यम वहाँ पे आ जाता है और सुब्रमण्यम के अजीब सी हरकत करने पे बताता है कि ये जो है थका हुआ है और इसका विवाह होने वाला है, तो ये कामकाज में थका हुआ है। तो उमा राव जो है सुब्रमण्यम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है
कि आपकी शादी होने वाली है, आपको वो बधाई दे देती है, लेकिन वो अजीब सा रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं शादी से खुशी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बातें वो बोल देता है, जिससे उमा जो है और ज़्यादा डाउट में आ जाती है कि ऐसा क्यों है। तो ये सब चीज़ें आके उमा राव अपने हस्बैंड को बताती है कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, एक तो इसमें बंदा सलीम है जो पूरे सस्पेंड, इस पे पूरा डाउट किया जा सकता है कि ये बंदा मर्डरर हो सकता है कमला का, लेकिन दूसरा जो बंदा है सली जो सुब्बू है वो शादी से इनकार कर रहा है अभी, लेकिन वो इनकार क्यों कर रहा है दोस्तों? अब इसका पता चलेगा दोस्तों स्टोरी में, थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं। अब इसकी शादी हो रही होती है तो ये क्या कहती है उमा राव अपने हस्बैंड से कि मेरी एक मुलाकात अनारकली से और करा दो, ताकि मैं ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लूँ। अब सुरेश क्या बोलता है, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उमा की उमा इसकी तो चंपा जो है अनारकली की करा ली थी जमानत, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी तो किसी ने जमानत करा ली। अब ये बात उमा राव को तो पता होती है कि इसकी जमानत सिर्फ एक बंदा करा सकता है, वो है चंपा। तो वो अपने हस्बैंड से, यहाँ पे उमा राव अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है कि उसे सुब्रमण्यम की शादी के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं, और वो मनस्वामी को लेके यहाँ से लेके वो सीधा चंपा के घर पे पहुँच जाती है, और वहाँ पे बातचीत हो करती है चंपा से कि चंपा मुझे अनारकली से मिलना है। पहले तो चंपा मना कर देती है, लेकिन फिर वो अनारकली की हालत पे तरस खा के उससे मिलने की परमिशन दे देती है कि चंपा की जो हालत है, सॉरी अनारकली की जो हालत है वो ऐसी है कि उसकी नाक टूटी हुई है, उसका हाथ भी टूटा हुआ है, उसके गर्दन में पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों फिर जो है ये उमा राव पूछती है उस फोटो के बारे में, किस फोटो की बात मिस्टर सलीम कर रहे थे। तो ये जो बोलती हैं कि यहाँ भी अभी सुब्रमण्यम की शादी होने वाली है, हम उस शादी में आएंगे, तब उस फोटो का खुलासा हम उसकी शादी में ही कर देंगे। दोस्तों जिसका मर्डर हुआ था वो एक मैरिड हिजड़ा था, लेकिन उसके हत्यारे का पता नहीं चल रहा था कौन है। अब हत्यारे का थोड़ा बहुत जो पता चला था वो है अनारकली, जो कि एक्चुअली हत्यारा हत्यारिन है ही नहीं, राइट? तो दोस्तों अब यहाँ पे जब सुब्रमण्यम की शादी हो रखी होती हो रही होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो शहर की बिल्कुल नाक होते हैं, वो आते हैं यहाँ सुब्रमण्यम की शादी में। तो मिस्टर शर्मा जो हैं वो किसी भी हिजड़े को या किसी को भी आने के लिए वहाँ पे स्पेशली मना कर देते हैं कि कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन उसी दौरान मनस्वामी सीधा भागा हुआ यहाँ जाता है उमा राव के पास, और उमा राव के पास जाके बोलता है कि मैडम वो जो टोली है ना हिजड़ों की, जिसके आपसे बात करके आई हो, वो आ रही है। तभी ये बंदे अंदर आ जाते हैं, वो मिस्टर शर्मा अपने गार्ड्स पे चिल्लाते हैं, जब मैंने ये सब मना किया था कि इन लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाए, तो ये फिर किसने अंदर आने दिए? तो दोस्तों उमा राव फिर इस पे क्या बोलती है, उमा राव बोलती है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नाचेंगे गाएंगे और अपना गिफ्ट लेके चले जाएंगे। तो मिस्टर शर्मा इस पे इसके लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है अपना गाना बजाना करो और यहाँ से जल्दी जाओ। तो जब ये नाचते हैं गाते हैं तो ये सुब्रमण्यम जो है बहुत ही पागल हो जाता है, ये दीवाना हो जाता है दोस्तों इनका नाच देख के। अब ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है जो इसको पागल बना दिया, दीवाना बना दिया? तो दोस्तों इसको कमला नज़र आती है नाचते हुए, और दोस्तों जो ये कमला है, जो इस फोटो की बात चल रही थी, जिस फोटो की, वो फोटो किसी और का नहीं, सुब्रमण्यम की वाइफ का है। जो वो लड़का है, शादी जिसने की थी कमला के साथ, वो मिस्टर शर्मा का बेटा है, सुब्रमण्यम, जिसका नाम सुब्बू भी है, उसने कमला के साथ शादी की थी, और मिस्टर शर्मा ने कमला को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी हिजड़े से नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने कमला को जिंदा जलवा दिया था। अब उन लोगों का डांस देख के उसे अपनी कमला याद आ गई, भैया वो तो प्यार में पड़ गया, जिस बंदी से वो शादी कर चुका था उसको उसने मरवा दिया। अब दोस्तों ये सलीम भी क्यों निकल गया, क्योंकि सलीम जो लाता था उसे डेली रात को, वो अपने लिए नहीं, वो सुब्रमण्यम के लिए ही लाता था उसको रात को। तो सुब्रमण्यम को प्यार हो गया था कमला से, जिसकी वजह से उसने उससे शादी भी कर ली थी। दोस्तों इसके बाद जब उसको सब चीज़ ये सब क्लियर हो जाता है कि मुझे तो किसी और से शादी करनी ही नहीं है, तो वो सुरेश की जो बंदूक है उसको छीनता है सुरेश से, और अपने पिता पे ही तान देता है कि तुमने मेरी वाइफ का
मर्डर किया है। अब ये वाइफ कौन है दोस्तों? ये वाइफ वही है कमला। तो उसने बोलता है कि तुमने ही मेरी वाइफ का मर्डर किया है और तुम ही उसके हत्यारे हो। तो वो अपने पिता को तो गोली मारता नहीं है, वो खुद को गोली मार देता है। तो ऐसा होते ही दोस्तों ये दोनों यहां से निकल लेते हैं, पहले तो ये और फिर उमा से बात करने के बाद ये, कि यहाँ पे तो अब घपला होने वाला है। और ये फोटो मिस्टर शर्मा के हाथ में लग जाता है, मिस्टर शर्मा उसको डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि वो जिसको बचाने के लिए ये सब खेल हो रहा था उसकी तो डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? सुब्रमण्यम की तो डेथ हो गई भैया, क्योंकि इसको बचाने के लिए ही सारा खेल हो रहा था और वो उसकी डेथ हो गई। अब मिस्टर शर्मा जी को तो जेल जाना हो या जहाँ भी जाना हो, वो तो अपना बेटा खो ही चुके हैं, क्योंकि उनकी तो जिंदगी अब बची नहीं है कुछ भी। अब ये उमा राव जो है और सुरेश जो है, इनको बच्चे नहीं है दोस्तों। क्यों बच्चे नहीं है, इनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इनकी शादी के दौरान उमा के पिता ने जब हिजड़े आए थे तो इनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। अब उनको ऐसा लगता है कि हमें वो श्राप जो हिजड़ों ने दिया था उसकी वजह से ही हमें ये बच्चे नहीं हैं। तो ये चंपा जो है एक लॉकेट देती है स्पेशल मंत्रों से बना हुआ, जो कि अनारकली को देती है, अनारकली इसे देती है। लेकिन उमा क्या कहती है इससे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बच्चों की ज़रूरत है, मैंने आपकी हेल्प इसलिए नहीं की है, मैं तो एक्चुअली रियल में ही आप लोगों की हेल्प करना चाहती थी, आपको न्याय दिलाना चाहती थी। तो दोस्तों अब उनको न्याय मिल चुका है, कमला का जो हत्यारा है वो मिस्टर शर्मा है, सलीम ने कुछ नहीं किया है, सुब्रमण्यम की डेथ हो चुकी है, चंपा है ढिजड़ा जो है वो और जो अनारकली है वो दोनों सेफ हैं, बच गए हैं। तो दोस्तों मिस्टर शर्मा बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र खो दिया है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप तुम लोगों को ये, आप लोगों को सारी की सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आई हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको एक बार फिर से देखें, दोबारा देखें, थोड़े टाइम के बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।